हाय क्विंग सातना में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पुलेश्वर घूमने, तो चलिए हम लोग क्या क्या मस्ती की आप लोगों के संग शेयर करते हैं। वेट करते करते अब हम लोग का ट्रेन आ गया, तो अब हम लोग ट्रेन में चलेंगे। तो हम लोग सब कोई ट्रेन में बैठे हैं। देखिए मेरी बेटी अपनी दोस्त के संग बैठी है, सब हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोग पुलेश्वर में पहुंच गए हैं, तो यहाँ अब हम लोग उतर गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं। अब जाते जाते ही हम लोग देख रहे हैं मंकी बैठा हुआ है, तो कितना स्टाइल मार के बैठा हुआ है देखिए। जैसे ही मैं इसका वीडियो ले रही हूँ तो और भी थोड़ा स्टाइल मार रहा है। देखिए जैसे लग रहा है फिर से मैं अपने गांव में आ गई हूँ। इतना सुंदर यहाँ का व्यू लग रहा है, पूरा पूरा मतलब गाँव के जैसा। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे घूम के। चलते चलते हम लोग यहाँ पे मंदिर में आ गए, तो इतना सुंदर ये मंदिर है। तो अब मंदिर मिला, पूजा मतलब माँ का दर्शन नहीं करेंगे, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। देखिए यहाँ पे माँ का मैंने वीडियो किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये मंदिर। देखिए कितना मंकी यहाँ पे हम लोग देख रहे, पर मंकी बहुत ही शांत मंकी है, कुछ मतलब कर नहीं रहा है हम लोग को। फिर हम लोग चलते चलते अब पहुँचने ही वाले हैं वहाँ। देखिए यहाँ पे तालाब में कितना सुंदर सुंदर कमल का फूल हुआ है, तो हम लोग यहाँ से तो कमल का फूल तोड़ रहे और इन्जॉय कर रहे हैं। बहुत ही मज़ा आया। ये फूलेश्वर का गंगा जी के यहाँ पे आ गए हैं, कितना बड़ा मैदान है देखिए। और यहाँ पे भी मंकी मिल गया हम लोग को। फिर यहाँ पे बैठ के हम लोग बहुत इन्जॉय किए हैं, पिक लिए हैं, सेल्फी लिए हैं, वीडियो बनाए हैं, बहुत ही मस्ती किया है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग नौका में भी बैठे हैं। देखिए यहाँ का कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे। बहुत हम लोग यहाँ पे इंजॉय किए हैं। और उसके ऊपर में उल्वेरिया का रास लगा हुआ है, तो हम लोग जाएंगे पहले आगे, यहाँ पे हम लोग इंजॉय कर ले। देखिए यहाँ का गंगा जी काफ़ी भरा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही मज़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी देखिए हम लोग क्या क्या मज़ा कर रहे हैं यहाँ पे। फिर हम लोग को भूख लगा, तो हम लोग वहाँ पे मूढ़ी का चाट बनाया है, तो देखिए हम लोग सब खा रहे हैं मिलके। तो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं सब बैठ के, हम लोग खा रहे हैं। अब हम लोग खा भी रहे और डर भी लगा कहीं से मंकी ना आ जाए। और सब मेरी बेटी, हम लोग सब फ्रेंड लोग मिलके बैठ के यहाँ पे खा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आलू बच गया था, तो हमने यहाँ पे पुचका मिला के चुरमुट बना लिए। वहाँ पे हम लोग आमरा काट के खा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ चुरमुट बना के मैं खा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना था चुरमुट, बहुत मज़ा आया। ऐसा जगह में इतना सुंदर व्यू में ये सब खाना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं आमरा खा रही हूँ, आमरा खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। अब हम लोग इसमें चढ़ेंगे, तो देखिए वो आ रहे हैं, तो हम लोग इस पार से उस पार जाएंगे उल्वेरिया का रास देखने के लिए। तो हम लोग पुलेश्वर से उल्वेरिया जा रहे हैं। अब हम लोग इसमें चढ़ गए हैं। मेरी बेटी बाप रे बाप इतना डर रही है, देखिए कैसे डर रही है, मेरा हाथ पकड़ के ही वो खड़ी है। फिर यहाँ पे हम लोग सब खड़े हैं और जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। थोड़ा डर, थोड़ा इंजॉय, बहुत मज़ा आ रहा है। अब हम लोग पार होने वाले हैं।
ये हम लोग उतर गए हैं। पता है उतरने समय क्या हुआ, वो जो हम लोग के पीछे में एक दो लेडीज थी ऐसा गिरी है ये कादा में, बाप रे बाप। वही बात करते करते हम लोग हंसी मजाक करते करते जा रहे हैं। देखिए देखिए वही लोग। हम लोग उलबेरिया के रास में आ गए, यहाँ पे बजरंग बली का मंदिर है, देखिए आप लोग मेला में आ गए हैं। देखिए तो मेला कितना अच्छा से सजाया हुआ है, ये उलबेरिया का बहुत ही बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। देखिए सब झूला वूला सब लाइटिंग वाइटिंग, अभी थोड़ा शाम होगा तब पता चलेगा यहाँ का लाइटिंग। अभी ये हम लोग आए हैं, मेरी बेटी अभी से ही झूला झूलना है उसको। मैं बोली मैं अभी थोड़ा देरी बाद तुमको झूला झूलाऊँगी, अभी तो हम लोग मेला में एंट्री किए हैं, अब हम लोग देखते हुए सब जा रहे हैं। देखिए कितना अच्छा सब मेला लगा हुआ है, यहाँ पे सब दुकान है, यहाँ पे सब खाने का सामान और यहाँ पे सब सजने का मेकअप वेकअप सब बैग वैग, कोई 100 रुपये का मिल रहा है तो कोई 40 रुपये का, कोई 30 रुपये का, सब ऐसे मार्केट लगा हुआ है यहाँ पे मेला का। तो हम लोग सब देखते हुए जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मिल गया मुझे मेरा फेवरेट आइसक्रीम, देखिए मुझे ये आइसक्रीम खाने में बहुत ही मज़ा आता है और ये हर जगह नहीं मिलता, मेला में ही मिलता है। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग को किसको किसको अच्छा लगता है ये आइसक्रीम कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये सब हम लोग देखते हुए जा रहे हैं, तो अब जहाँ रास सजाया हुआ है तो अब वहाँ हम लोग एंट्री करने वाले हैं। देखिए सब फूल का मार्केट पुचका उचका सब बैठा हुआ है, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं कि जहाँ रास लगा हुआ वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, खोज रहे हैं कहाँ लगा हुआ है, तो हम लोग जाके इंजॉय कर रहे हैं। ये हम लोग आ गए हैं रास का मेला देखने के लिए। देखिए कितना सुंदर से यहाँ पे सजाया हुआ है, सजाने के लिए ये लोग को 1 महीना लगता है, इतना सुंदर से ये लोग सजाते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है यहाँ पे उलबेरिया में रास का मेला, आप लोग भी आइए देखिए, बहुत ही मज़ा आता है, बहुत सुंदर से सजाया हुआ। हम लोग सब देखते हुए जा रहे हैं इंजॉय करते हुए। ये उलबेरिया का काली मंदिर है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं तो माँ का दर्शन करने। देखिए तो हम लोग जा रहे हैं, कितना भीड़ है, धीरे धीरे और भीड़ बढ़ते जा रहा है, सब कोई आ रहे हैं रास का मेला देखने के लिए। तो हम लोग मंदिर में जा रहे हैं माँ का दर्शन करने। यहाँ पे मैं माँ का दर्शन कर रही हूँ, माँ को नमस्कार कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुना है कि यहाँ की माँ दुकान में गई थी एक लड़की बन के पौला साखा पहनने, तो यहाँ का माँ का बहुत मतलब जागरूक तो माँ है। फिर मेरी बेटी यहाँ पे झूला झूल रही है, देखिए तो झूला झूलना बहुत पसंद है, आप लोग को पता ही होगा मेरे सब वीडियो में झूला उसका शेयर है आप लोगों के साथ। पे हम लोग पुचका खाने आ गए हैं, तो हम लोग सब पुचका खा रहे हैं। कितना सुंदर झूला में लाइटिंग किया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब ये पूरा शाम का व्यू है, तो यहाँ पे सब लाइटिंग किया हुआ है। फिर मेरी फ्रेंड बहुत सारा फूल ली है, हम लोग सब फूल वूल ली है, फिर हम लोग भी कुछ कीने हैं। मेरी बेटी आई है मेला में, अब खिलौना नहीं कीनेगी तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो फिर हम लोग अब घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो फिर से हम लोग नौका में चढ़ेंगे और फिर उस पार होंगे फूलेश्वर से, फिर हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे।
अब ये हम लोग ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बस अब हम लोग का ट्रेन आने ही वाला है। अब हम लोग स्टेशन की तरफ पहुंचने वाले हैं। ये हम लोग आ गए हैं स्टेशन में, तो देखिए अब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए अब चढ़ने ही वाले हैं। अब हम लोग का ट्रेन आने वाला है, तो अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए ट्रेन कितना फाका है, यहाँ पे हम लोग सब पापड़ ले रहे हैं, तो मेरी बेटी यहाँ अकेले बैठी है, खिड़की के पास बैठी है, और काफ़ी ठंडा भी लग रहा है, शाम भी हो गया है, तो यहाँ हम लोग सब बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। फिर से हम लोग को भूख लग गया, तो ट्रेन में भेजे थे वो चॉप बिक्री कर रहा था, तो हम लोग लेके खा रहे थे। अब हम लोग उतर गए हैं हम लोग, तो अब हम लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। हम लोग ये ट्रेन से उतर गए, तो अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी हम लोग इन्जॉय किए। तो अब हम मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करें, कैसा लगा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय।